दोस्तों, आपने कुछ दिन पहले एक न्यूज़ सुनी होगी कि आर्मी में 3 साल के लिए टूर ऑफ ड्यूटी के तहत जो है वो भर्ती होने वाली है। तो दोस्तों, आर्मी तो उस पर विचार कर ही रही है और ये भर्ती जो है वो बहुत ही जल्द आने वाली भी है। इसके आवेदन हो सकता है आपके अगले महीने सितंबर से स्टार्ट भी हो जाए। लेकिन दोस्तों, इस बीच आपके लिए मैं एक बहुत बड़ी खबर लेकर आया हूँ कि केवल आर्मी ही नहीं बल्कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने भी इस पर विचार करना शुरू कर दिया था उसी समय से। और अब जो है दोस्तों, सीआरपीएफ ने टूर ऑफ ड्यूटी के तहत भर्ती की निकाल भी दी है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सीआरपीएफ में जो टूर ऑफ ड्यूटी की ये भर्ती निकली है वो दोस्तों कितने, जैसे आर्मी में आपने देखा होगा कि 3 साल के लिए थी, तो इस भर्ती की ड्यूरेशन आपकी कितने साल की होगी। ठीक है, नंबर वन। नंबर दो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। नंबर थ्री पे डिस्कस करेंगे दोस्तों हम कि इसमें कौन कौन से पोस्ट के लिए टूर ऑफ ड्यूटी के तहत सीआरपीएफ भर्ती करने वाली है। तो दोस्तों, इस समय हम हैं सीआरपीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पर और चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशंस की अपडेट अपने मोबाइल पर पाना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों, आप देखेंगे यहाँ पर हम सीआरपीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये रिक्रूटमेंट का जो सेक्शन दिया गया है, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये जो एडवर्टाइजमेंट है यहाँ पर ये दिया गया है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्लिक कर दिया है हमने। आप देखेंगे दोस्तों, एडवर्टाइजमेंट नंबर, नोटिफिकेशन, रेफरेंस, लोकेशन, लास्ट डेट, ठीक है, यहाँ पर पूरा ये दिया गया है। तो दोस्तों, इसके लिए हम क्या करते हैं, अभी क्लिक कर देते हैं। तो इसके लिए हम दोस्तों डाउनलोड कर लेते हैं और डाउनलोड करने के बाद में आपको मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर कौन कौन से पोस्ट के लिए जो भर्ती होने वाली है। ठीक है, उसके बाद में हम इसके जो क्वालिफिकेशन वगैरह होगी उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप सबसे पहले दोस्तों देखेंगे कि आपके जो इंटरव्यू के तहत ओनली ये भर्ती होने वाली है। ठीक है, आपके लिए यूट्यूब पर काफ़ी वीडियो आपने देख भी ली होंगी, 2-3 दिन से ये खबर चल रही है, लेकिन आपके लिए इसकी वीडियो की गहराई से आपके लिए डिटेल में आपके लिए किसी ने भी नहीं बताया होगा। तो दोस्तों, जैसा कि मैं वीडियो के पहले में पहले ही बता चुका हूँ कि ये टूर ऑफ ड्यूटी की तरह ही सीआरपीएफ ने कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे ये वैकेंसीज जो हैं वो रिलीज की हैं। इनकी जो पे होगी दोस्तों वो भी फिक्स होगी, हर पोस्ट के लिए अलग अलग पे दी गई है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कंपोजिट हॉस्पिटल सीआरपीएफ बेंता लैब जम्मू कश्मीर में ये दोस्तों जो है वो आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू की डेट सभी पोस्ट की सेम होगी, 17 अगस्त 2020 से 20 अगस्त 2020। ठीक है, तो 17 अगस्त से 20 अगस्त 2020 के बीच में आपका डायरेक्ट इंटरव्यू होगा इसके लिए, और यहाँ पर आपका कोई भी रिटर्न एग्जाम, कोई भी फिजिकल नहीं लिया जाएगा। मेल और फीमेल दोनों के लिए ही ये भर्ती है दोस्तों। तो आप देखेंगे सबसे पहला पोस्ट है यहाँ पर स्टाफ नर्स का। ठीक है, इनकी जो वैकेंसीज की संख्या है वो है 40, और आपकी जो एज लिमिट है वो आपकी दोस्तों 50 साल से कम होनी चाहिए। अगर आप 50 साल से कम हैं तो आप इस भर्ती में जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में इसकी क्वालिफिकेशन पे दोस्तों नजर डालें तो क्वालिफिकेशन इसकी 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, और आपके पास में दोस्तों 3.5 ईयर मतलब 3.5 साल का आपके पास में नर्सिंग में जो है वो डिप्लोमा होना जरूरी है। ठीक है, तो ये तो बात होगी दोस्तों स्टाफ नर्स की। उसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट पोस्ट की। तो नेक्स्ट है यहाँ पे दोस्तों लैब टेक्नीशियन। ठीक है, अब लैब टेक्नीशियन की हम अगर बात करें दोस्तों, तो इसके लिए भी जो इंटरव्यू की डेट है वो 17 अगस्त से 20 अगस्त 2020 तक है। उसके बाद में पोस्ट का नाम है लैब टेक्नीशियन। टोटल वैकेंसीज यहाँ पर 5 हैं। इनकी जो दोस्तों सैलरी होगी वो 29,835 रुपये पर मंथ होगी। इनकी भी जो एज लिमिट है वो 50 साल से कम है। अगर आपकी एज 50 साल से कम है तो आप इस भर्ती में जाकर इंटरव्यू दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों क्वालिफिकेशन आपकी जो है वो मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th पास होगी, और आपके लिए दोस्तों डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन मेडिकल लेबोरेटरी, आपके पास में ये डिप्लोमा होना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों हम फार्मेस्ट की। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो वैकेंसी है काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर दोस्तों ये पोस्ट होती है, यहाँ पर आपकी 5 वैकेंसीज दी गई हैं। ठीक है, पे होगी आपकी यहाँ पे 34,164 रुपये पर मंथ। एज लिमिट आपकी 50 साल से कम होना चाहिए, मतलब जिस दिन आप 17 अगस्त को आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं उस दिन भी आपकी एज है जो वो 50 साल से 1 दिन भी कम है तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
उसके बाद में आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन दोस्तों, आपको ओनली 12th पास होना चाहिए, ठीक है, और 2 ईयर्स डिप्लोमा और डिग्री इन फार्मेसी, मतलब आपके पास में फार्मेसी में डिग्री होना चाहिए या फिर 2 साल का डिप्लोमा होना जरूरी है। उसके बाद हम दोस्तों नेक्स्ट पोस्ट आप देखेंगे रेडियोग्राफर की है, तो रेडियोग्राफर के लिए भी इंटरव्यू की डेट दोस्तों सेम दी गई है, 17 अगस्त से 20 अगस्त 2020 पोस्ट है यहाँ पर रेडियोग्राफर। टोटल वैकेंसीज हैं आपकी 2, पेमेंट आपकी जो होगी पर मंथ सैलरी होगी वो 29,835 रुपये पर मंथ होगी। एज लिमिट आपकी 50 साल से कम होना चाहिए, ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर बिलो 50 ईयर्स एज ऑन डेट ऑफ वॉक इन इंटरव्यू, ठीक है। तो जिस दिन आप 17 अगस्त 2020 को भी अगर आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो उस दिन भी आपकी अगर एज 50 साल से कम है तो आप इस भर्ती में जाकर शामिल हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में इसके लिए आपको इंटरमीडिएट पास होना जरूरी है और आपके पास में डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन 2 ईयर्स कोर्स इन रेडियो रेडियोग्नोसिस फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन और द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट, मतलब आपके पास में जो 2 साल का यहाँ पर डिप्लोमा होना जरूरी है, ठीक है, तभी आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट की दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर नर्सिंग असिस्टेंट, ठीक है। तो नर्सिंग असिस्टेंट की यहाँ पर जो वैकेंसीज है, यहाँ पर इसकी जो पोस्ट दी गई है वो 10 दी गई है दोस्तों। आपकी सैलरी 25,389 रुपये पर मंथ होगी, एज लिमिट आपकी 50 साल तक होगी और आपको इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए 10th पास होना जरूरी है, ठीक है। तो ये है दोस्तों इस भर्ती की एलिजिबिलिटी। तो अभी हम बात करेंगे इस ये भर्ती में आपके लिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या क्या लेके जाने हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल क्लियरली मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पर ये जो नोट में आप देख सकते हैं 3 नंबर कॉलम में यहाँ पे यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, वेल अपीयरिंग फॉर वॉक इन इंटरव्यू द कैंडिडेट शुड ब्रिंग डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी ऑफ ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, डिग्री, एज प्रूफ एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एटसेट्रा, एप्लीकेशन इन प्लेन पेपर, सब्सक्रिप्शन, द नेम ऑफ पोस्ट अप्लाइड फॉर एंड 5 पासपोर्ट साइज रिसेंट फोटोग्राफ, इंटरव्यू विल बी फॉलोड बाई मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। तो आपके लिए क्या है, आपकी जो डिग्री है, डिप्लोमा है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हैं, इनकी आपको ओरिजिनल और फोटोकॉपी ले जाना जरूरी है इंटरव्यू में। उसके बाद में आपको प्लेन पेपर पे एप्लीकेशन भी लिख के ले जानी होगी। उसके बाद में दोस्तों आपके जो है 5 पासपोर्ट साइज के आपके रिसेंट क्लिक किए हुए फोटो होना चाहिए जिस दिन आप इंटरव्यू में जा रहे हैं उस दिन, ठीक है। तो आपके लिए बस यही यहाँ पर दोस्तों रिक्वायरमेंट दी गई है CRPF की तरफ से। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों ये जो वैकेंसी है, ये जो वैकेंसी है इसके लिए दोस्तों जो आपका इंटरव्यू होगा मैं बता चुका हूँ, 17 अगस्त 2020 से 20 अगस्त 2020 के बीच में कंपोजिट हॉस्पिटल CRPF जम्मू में होगा, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही आपको बता दिया था कि ये जो वैकेंसीज हैं दोस्तों वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हैं, ठीक है, और टूर ऑफ ड्यूटी के तहत की जा रही है। तो जैसे आपने देखा था कि आर्मी में टूर ऑफ ड्यूटी के तहत 3 साल के लिए वैकेंसीज रिलीज की जा रही हैं, तो उसी तर्ज पे दोस्तों यहाँ पर जो CRPF ने किया है वो पहले यहाँ पर ट्रायल बेसिस पे ये कर रहे हैं, तो केवल यहाँ पर 6 मंथ के पीरियड के लिए आपको हायर किया जाएगा। उसके बाद में दोस्तों आपकी सर्विस जो है वो बढ़ भी सकती है, ठीक है। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल सेवा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन दोस्तों एक जाते जाते आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।